यूपी में हाईवे किनारे पर मौजूद शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर जहां महिलाएं सड़कों पर उतर रही है, वहीं बिजनौर में भी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम को ज्ञापन दिया। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शराबी महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते हैं और फप्तियां कसते हैं। महिलाओं का आरोप है कि लोग उन्हें फोन पर धमकी दे रहे हैं कि शराब की दुकान खुलनी चाहिए और साथ ही साथ एक और शराब की दुकान खोलने की धमकी भी दी गई है। इसके साथ ही महिलाओं का कहना है कि जहां पर शराब की दुकान खोली जा रही है वहां पर एक स्कूल और मंदिर है जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। इस संबंध में आप आज यहां हमारा नाम है दीपा शर्मा जी। वो ही शराब बंदी के संबंध में हम यहाँ आए हैं क्योंकि उससे पहले 3-4 दिन पहले बुखारी रोड पे एक दुकान खुली है उसकी शराब की, तो हमने उसे अगर समझाया, कोई हमने हंगामा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कैसे बंद कर दो। उसके बाद उन्होंने हमारे मना करने के बावजूद तुरंत ही दुकान खोल ली। और उसके बाद कुछ ना कुछ फोन आ रहे हैं, मतलब जैसे हमारी मजाक से उड़ा रहे हो, मतलब अब बंद करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और दुकान और खोली जा रही है, खुल चुकी है। अब आप लोग क्या, हम इसके खिलाफ ये चाह रहे हैं, वे बंद दोनों दुकान होनी चाहिए। और ये जो कर रहे हैं ना, हमें उल्टे सीधे जो महिलाएं इधर को निकल रही हैं उनको मतलब उल्टे सीधे टाउजर कर रहे हैं, अब फोन पे भी कर रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते ये दुकान खुले। हम यहाँ शराबबंदी चक्कर में आए हैं, ये सारी औरतें हम बहुत परेशान हैं। और शराब की दुकान भी एक और खुल गई है वहाँ पे। कहाँ पर? इधर बकली की तरफ, बुखारा रोड पे ऑन रोड खुली है। हमने काफ़ी उन्हें समझाया लेकिन हमने उन्हें टच भी नहीं करा। और ये और कह रहे हैं कि एक और खुलेगी, तब आप देख लेना हमारा क्या होगा। और फ़ोन पर भी धमकी दे रहे हैं कि आपके यहाँ एफ आई आर दर्ज करा दी गई है, आपको जेल भेज दो, तो जो भेजे जेल वो भेज दीजिएगा। जो हम गलत पक्ष पर नहीं बोले, हमने उसको हाथ तक नहीं लगाया, उसकी दुकान तोड़ी भी नहीं है, तब भी ये कह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं डी एम साहब से हाथ जोड़ के कि भाई ये चीज़ें जो नुकसान है तो नुकसान ही है, बच्चे सबके हैं, लड़के भी सबके हैं। अब नहीं तो 10 साल बाद बड़े होंगे, 17 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, उनका ये गलत प्रभाव पड़ता है। वहाँ से निकलने में क्या परेशानी आपको आ रही है सामने? भाई सब्जी मंडी भैया वहीं है भाई, जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं वो जॉब करते हैं, शाम को आते हैं तो सब्जी लेने भी महिलाएं जाती हैं। किस तरह से टॉर्चर करते हैं वो लोग? इस तरह ये कहते हैं कि अब तो आप देसी भी हैं, अब विदेशी भी खुलेगी, अब जो करना है आप कर लो, हम तो ये बंद नहीं करने के। अब आप डीएम साहब के यहाँ पे? हाँ जी, हम भाई साहब डीएम साहब के पास जा रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के करेंगे कि आप हमारी सुनिए, ये सारी महिलाओं की सुने बात, आप ध्यानपूर्वक।